नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी माहौल टाइट हो चुका है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने ठाकुरगढ़ कंगना रनौत से पंगा जो ले लिया है। दरअसल बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। टिकट घोषणा के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया, जिस पर सियासी गदर मच गया है। कांग्रेस पर महिला अपमान के आरोप लग रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की पोस्ट अपलोड की और उस पर लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। अब बीजेपी ने इसे अमर्यादित बयान बताया है। हालांकि ये बेहद ही फुहड़ और भद्दा पोस्ट था, जिस पर विवाद हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत ने तत्काल इसे हटा दिया और सफाई भी दी। उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने कहा किसी और ने ये पोस्ट अपलोड की थी, ये भी उनका कहना था। उधर बीजेपी का ये कहना है कि महिलाओं का अपमान कांग्रेस की पहचान बन गया है। कभी दिग्विजय, कभी अधीर रंजन, महिलाओं के लिए उल्टे सीधे बोल बोलते हैं, लेकिन अब कांग्रेस महिला नेता ही महिलाओं के लिए विवादित टिप्पणी कर रही है। यानी कंगना वर्सेस सुप्रिया के चलते सियासी माहौल पूरी तरह से टाइट हो चुका है। और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है, वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जहां मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा मंदिर वहाँ पर, जहाँ लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है आपको, मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है, ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। कंगना रनौत हो या कोई अन्य महिला, जो वो राजनीति में आना चाहती है तो उनके काम के आधार पे उनको जज कीजिए। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है, और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। ये स्टीरियोटाइप्स फाइट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है, और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है, तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो, या राहुल से ज्ञान ले लो कि आलू फैक्ट्री में बनते हैं या खेत में पैदा होते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, उसको मानना चाहिए कि उनका हैक हुआ है अकाउंट, तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि फेसबुक पर आ जाता है अपने दोस्तों का, या मोबाइल पे आ जाता कि मैं मुसीबत में हूँ, नाम दे करके लोग पेमेंट कर डालते हैं, ये तो आम बात है।
तो पब्लिक की राय जाने उससे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको पहले बताते हैं कि कांग्रेस के किस नेता ने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयानबाजी की है, कांग्रेस में महिला अपमान की गारंटी कितनी है, वो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह की बात करें, कांग्रेस के नेता है, मीनाक्षी नटराजन को पंचमाल बताया था। अधीर रंजन चौधरी की बात करें, सांसद हैं कांग्रेस से, राष्ट्रपति पर अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के कोटा और सजावट के आधार पर महिलाओं को टिकट नहीं देते, इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इससे पहले की जाती रही है। और अब तो सुप्रिया श्रीनेत, जो खुद एक कांग्रेस की महिला नेता है, उन्होंने एक महिला के लिए ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मयूर जुड़ रहे हैं लखनऊ से, नीना सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं, अजीत सिंह जौनपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रमोद गौड कुशीनगर से इस वक्त हमारे साथ हैं। तो जनता क्या सोच रही है इस तरह की कांग्रेस की नेताओं की तरफ से बयानबाजी को लेकर, ये जानते हैं। मयूर के पास पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मयूर, कांग्रेस की ही एक महिला नेता जिनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि वो अब सफाई जरूर दे रही है, बीजेपी की महिला प्रत्याशी बाद में है कंगना, लेकिन उससे पहले वो एक महिला है, उनके लिए इस तरह की बयानबाजी को लखनऊ की जनता कितना सही मानती है? मयूर ना, बिल्कुल देखिए, आश्चर्यचकित करने वाला वो उनका पोस्ट था। हालांकि उन्होंने उसका खंडन बाद में किया कि वो पैरोडी है, हैक कर लिया गया, किसी और ने किया, वो उसकी भर्त्सना करती, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। लेकिन लखनऊ की जनता क्या जो है इसके बारे में राय रखती है, हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मैम सुप्रिया श्रीनेत का आपने पोस्ट देखा होगा, हालांकि उन्होंने उसका खंडन किया कि मैंने नहीं किया, लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया। कंगना रनौत जो कि चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा का हिमाचल प्रदेश से भाजपा की तरफ से, उनको लेकर इस तरीके बयान देना, क्या कांग्रेस ने नुकसान कर लिया अपना? बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। एक महिला के लिए एक ऐसी अश्लील टिप्पणी करे, ये एक राजनीतिक और बौद्धिक महिला से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से श्री नेत्र जी ने इस पर टिप्पणी की है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं। जहां तक कंगना रनौत की बात करें, उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं और नेत्री होने की बात है, नेत्री इससे पहले भी नेत्री नहीं, वो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और बीजेपी ने हमेशा आर्टिस्ट का और कलाकार का सम्मान किया है। क्या इससे पहले कांग्रेस और सपा में नहीं नेत्रियों को टिकट दिए गए? जयप्रदा हैं, जया बच्चन हैं, नरगिस दत्त हैं, एक प्रमाण नहीं है, तमाम प्रमाण हैं। तो एक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी करें, इससे बहुत शर्मिंदगी हम महिलाओं को है। देखिए शर्मिंदगी है, मैम आपकी क्या राय है इसको लेकर? हमारी राय यह है कि वो इतनी सशक्त महिला है जिसको टिकट दिया गया, और हमारी बीजेपी सरकार में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, और उस वजह से उसको टिकट दिया गया, क्योंकि उसके पीछे कितने लोग पड़े रहे, उसके बिल्डोजर चला दिए गए, सब कुछ किया गया, बाकी वो महिला इतनी हिम्मत वाली, कभी हार नहीं मानी, और आज आकर उसको टिकट दिया गया, तो इनको ये शब्द कहने के इच्छुक नहीं था उनको, जो ये किया है शब्द वो गलत किया है। गलत शब्द, आपको लगता है माफी वो कह रही है तो क्या अब वो, हालांकि वो कह रही है कि ये खंडन कर रही है कि ऐसा मैंने नहीं किया है, आपको लगता है उन्होंने किया कि नहीं किया? नहीं नहीं, उन्होंने किया है, अब वो जाल में फंस गई हैं, तो जाल से बचने के लिए वो कह रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया और हमारी आईडी को हैक करके किसी दूसरे ने किया है। बीजेपी जैसी सरकार ना आज तक आई है, ना कोई किया है जितना वो कर रही है, और महिलाओं के लिए वो तो बहुत ही प्राथमिकता दे रही है। कंगना रावत एक बहुत बड़ी ही सशक्त महिला है, जो कि एक नहीं अनेकों सामाजिक काम किए हैं, हिंदुत्व के लिए काफी कुछ उन्होंने बोला है, और बीजेपी एक बुद्धिजीवी सरकार है, जिन्होंने अगर टिकट उनको दिया है तो कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग पे बहुत बड़ी रही है, स्थान रहा है, कंगना रावत इस काम के लिए सुपर है, इसलिए उन्होंने टिकट दिया। लोगों का कहना कि हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम किया है, और एक बोल्ड लेडी है, वो एक कलाकार है, एक नेत्री है, और पहले भी तमाम कलाकार को भी टिकट देती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लेकिन जैसे ही उनकी टिकट की घोषणा हुई, सुप्रिया श्रीनेत जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रवक्ता हैं, उस तरीके का बयान देना तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि विवाद उसमें खड़ा होगा। हालांकि उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये इसकी वो उसकी भर्त्सना करती है, लेकिन अब ये विवाद कहां पे जाके रुकेगा, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है नीना का भी रुख कर लेते हैं। नीना, वहां की जनता कैसे देख रही है कांग्रेस नेता के इस बयान को, बातचीत करिए लोगों से जरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए कि मुजफ्फर जी कि ये कांग्रेस कब तक महिलाओं का अपमान करेगी? कभी कमलनाथ जी बोलते हैं, कभी दिग्विजय बोलते हैं, कब तक ये चलेगा सिलसिला? देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। मैं आपको उदाहरण दे दूं,
सबसे पहले अगर राष्ट्रपति बना तो प्रतिभा पाटिल को बना, तो कांग्रेस ने बना। तो क्या? अगर अगर लोकसभा की स्पीकर बना तो मीरा कुमारी जी को बना। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये कहा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो भी महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए नारा था। आप क्या सोचते हैं महिलाओं पर जो इस तरह से कंगना रनौत पर एक टिप्पणी की जाती है? देखिए अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अगर ऐसा नारा ये प्रत्येक महिलाओं के लिए सोचते तो आज सुप्रिया जी ऐसा नहीं बोलते। प्रदेश की प्रवक्ता हैं और इतने ऊंचे पद पे रह करके अगर वो ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो ये एक कहते नहीं कि शर्मनाक टिप्पणी है, और वो भी महिलाओं के प्रति। महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम और एक शक्ति का सम्मान तो देखिए भगवानों ने भी किया है, और ये तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं। वो भी महिला है। जी जी, जबकि वो भी महिला है और महिलाओं के लिए ऐसा बोला जा रहा है। आपको लगता है कारण कंगना की इस तरह से जीत सुनिश्चित हो गई है? बिल्कुल जी, 100% जीत है उनकी, और इसीलिए ये घबरा के ऐसा बोल भी रहे हैं उनके लिए। अब आप गलत बोलेंगे उससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, है नहीं? महिलाओं का सम्मान अगर ये करती, महिला तो ये खुद भी थी इसमें की बोल रही कि मैं महिलाओं का सम्मान हमेशा करती हूँ, नहीं करती, लेकिन अगर ये करती तो क्यों कंगना रनौत जी को सपोर्ट? आपका क्या कहना है इस टिप्पणी को लेकर? बृंदा जी देखिए, जैसे कि अभी विपक्ष बोल रहा है कि मंडी मंडी का क्या भाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी फिल्मी लाइफ एक तरफ है, लेकिन आज वो पार्टी से जुड़कर यदि पार्टी अच्छे पद पर आकर वो कार्य कर रही हैं बहन, तो उनका पार्टी भी और हम सब पूरा सम्मान करते हैं। ठीक है नीना, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। प्रमोद भी इस वक्त कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जाहिर सी बात है कि अब इस तरह के बयानबाजी के बाद कांग्रेस की और फजीहत होने वाली है चुनाव के दौरान। जनता वहां पर क्या कह रही है, बातचीत करिए लोगों के साथ जरा। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत ने, उन्होंने कंगना रनौत को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, इससे क्या माहौल लग रहा है, क्या सेल्फ गोल में है कांग्रेस की समय? बिल्कुल, एक तो आपका ये कहना कि सेल्फ गोल की बात, उन्होंने कोई टिप्पणी इस तरह से नहीं करी, क्योंकि वो इस तरह की महिला नहीं है। वो तो खुद ही महिलाओं की बात के लिए हमेशा लड़ती रहती है, और कांग्रेस हमेशा ही लड़ती रही है इस चीज के लिए। तो उन्होंने टिप्पणी उन्होंने खुद नहीं किया, उनके ट्विटर हैंडल और ये चीजें कई बार दूसरे लोग करते हैं, गलती से उनसे हो गया, उनको जब पता लगा तो तुरंत उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह की मानसिकता कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की मानसिकता है, और भाजपा वाले ये काम करते हैं। कांग्रेस की कभी इस तरह की मानसिकता नहीं रही, नहीं कभी सुप्रिया श्रेष्ठ जी जिस परिवार से आती है उनकी इस तरह की मानसिकता, किसी महिला के लिए टिप्पणी करना उनकी मानसिकता नहीं। कांग्रेस में लगातार महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणियां की जाती है, इतना क्या ये राजनीति का ये माहौल बनाना सही है? सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी कभी भी व्यक्तिगत किसी महिला पे इस तरीके की भद्दी टिप्पणी नहीं की है। जिसने भी इस तरह का ये घृणित काम किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसका जो सोशल मीडिया होता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, उसका एक्सेस जो है कई लोगों के पास होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुप्रिया जी के नाम से, सुप्रिया श्रीनेत पैरोडी के नाम से एक अकाउंट है जिससे ये सबसे पहले ये संचालित किया गया, और जिसके पास एक्सेस था उसको जो है वो उनके आईडी पे लगाया गया। सुप्रिया जी को जैसे इसकी सूचना मिली तुरंत उसने इस ट्वीट को डिलीट किया, और ट्विटर से यह रिक्वेस्ट किया है कि जो पैरोडी अकाउंट है उसकी जांच करके उस अकाउंट को बंद किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी का यह कभी इतिहास रहा ही नहीं है कि किसी भी महिला के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी हो या इस प्रकार का घृणित बयान दिया जाए। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं और इसको बहुत बड़ा मुद्दा और सेल्फ गोल बता रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नींद से कब उठेगी? अभी 4 दिन पहले बिहार में लालू जी की बेटी के ऊपर जितना बड़ा घृणित बयान जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, उस पे भी आपको सवाल करना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर पार्टी से कम निकाले जा रहे हैं, इस पे भी आपको सवाल करना चाहिए। बेटियों का बाल घसीट के जिस प्रकार से दिल्ली में बेटियों को घसीटा गया, आज वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी कब कार्रवाई कर रही है? तो कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल भी सेल्फ गोल नहीं है, और हम लोग हमेशा ईमानदारी से अपने मुद्दे पे खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और सम्मान करती रहेगी। ठीक है प्रमोद, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। अजीत सिंह भी जौनपुर से इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आप जरा वहां से लोगों से बातचीत करिए, किस तरह का माहौल है वहाँ कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, आकांक्षा हम महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस नेता जो है कंगना रनौत ने बयान दिया है जी,
मंडी में भाव क्या है, इससे क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे सुप्रिया जी को कि जो एक इतने प्रतिष्ठित पद पे रहते हुए एक महिला की गरिमा के खिलाफ इतनी बड़ी बात अगर वो कह रही हैं तो शायद हमें लगता है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि एक कहा गया है ना कि जब नाश मनुष्य को छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अगर उनके क्या हमें लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो कहा था कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लगता है उन्होंने गलत कहा था, उन्होंने कहा था लड़की हूँ लड़कियों से ही लड़ूंगी, क्योंकि एक महिला का सम्मान कहाँ उनको नहीं करता, वो तो एक कलाकार है, कलाकार तो कई रूप में होते हैं, तो माँ का भी किरदार में आती है, वो बेटी का बहन करने आती है, तो फिर उनके कलाकार के जो स्वभाव है उनका जो व्यक्तित्व है उनको कलाकारी से क्यों तुलना किया जा रहा है, क्योंकि वो तो उनका पेशा तरह से काम करता कलाकार करना, वो तो हर रूप में हमें दिखाई देती है। देखिए राजनीति में जो अमर्याद भाषा का प्रयोग लगातार हो रहा है वो किसी भी पार्टी द्वारा हो रहा हो वो अपमानजनक है और राजनीति के गिरते स्तर का प्रमाण है। कंगना रनौत पर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई और अभी सुप्रिया सेठ द्वारा यह कहा गया कि मेरे पैरोडी अकाउंट से किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन पार्टियों का चरित्र इस प्रकार का हो गया है कि यह अमर्यादित भाषा का ही प्रयोग करते हैं और नारी शक्ति के प्रति इस प्रकार का प्रयोग करना ये सरासर गलत है। उन्हें सर्व नीचे और कांग्रेस यह बताना चाहिए, उन्हें तुरंत पार्टी से बर्खास्त करते हुए ये बताना चाहिए कि नारी का सम्मान करते हैं, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। और ये कहने की के पास मैं वापस लौटती हूँ मयूर के पास, एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मयूर आप जरा कुछ और लोगों से वहां पर बातचीत करिए, क्या रिएक्शन उनके आ रहे हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए और लोगों से बात करेंगे। मैम क्या आप ये मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके का अपमान जो है महिलाओं का करती रहती है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता नेता उनका कहना है कि हम हमेशा सम्मान करते हैं, बीजेपी कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपकी राय क्या है? देखिए अगर सम्मान की बात होती तो कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान ना देता, इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या हुआ है? और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है और आपने देखा होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो कन्या धन योजना हो, विद्या धन योजना हो और ग्रामीण परिक्षेत्र में कार्य करना हो, बीजेपी ने ये कार्य किए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस की अध्यक्ष एक महिला है, इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिलाएं भी यहाँ पे हुई हैं और कांग्रेस ने खुद भी महिलाओं को टिकट दिया है, चाहे वो नरगिस दत्त जी रही हों, चाहे वो नम्रता दत्त रही हों, उन्होंने खुद दिया। लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो सारे वो जैसे एक हो जाते हैं, बीजेपी ने गलत किया, बीजेपी ने गलत किया। तो उसी क्षेत्र से जब कांग्रेस टिकट देती है तो वो व्यक्ति सही होता है, जब सपा टिकट देती है तो वो व्यक्ति सही होता है, जयप्रदा जी हैं, जया बच्चन जी हैं, और जब बीजेपी टिकट देती तो वो गलत कैसे हो जाता है? कांग्रेस ने ये जो किया ये अच्छा नहीं है और आगे भी भविष्य इनका इस तरह से गर्त में जाएगा, भविष्य गर्त में जाएगा, ऐसा मैम का कहना है। क्या कंगना रनौत को इससे फायदा मिलेगा, चुनाव जीत जाएंगे क्या? बिल्कुल जीतेंगे और बड़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी महिला है और जिस तरीके से मेहनत करने वाली है ऐसी महिला बहुत कम होती है, जो अपना संघर्ष खुद लड़ी और खुद किया, और जो कांग्रेस ने कहा है वो गलत कहा है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ जो होना चाहिए वो करना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए और क्या खामियाजा भी भुगतेगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के समय समय पर महिलाओं का सम्मान करते असम्मान करती, सम्मान कहना और करना एक अलग बात होती है, वो कभी भी सम्मान नहीं करते और एक महिला के ही लिए इतनी गलत रूप से पेश किया है वो भी इतने बड़े। लेकिन अब इस देश की जनता या महिला किस तरीके से देख रही है, वो आके ये भी कह रही है कि हमने नहीं किया किसी और ने किया, तो सच्चाई क्या है मैडम, क्या जानती है? सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद किया है लेकिन अपने से बचने के लिए वो ये दूसरे के ऊपर लगा रही है कि मैंने नहीं किया किसी दूसरे ने किया, और लीपा पोती माफी मांगना चाहिए, सामने आकर के कंगना रावत जी से माफी मांगनी चाहिए और कंगना रावत जी भारी मात्रा में जीत करके बहुत अच्छा काम करेंगी, वो खुद ही उनको दिखाएंगी, ईंट का जवाब पत्थर से उन्हें खुद ईंट का जवाब पत्थर से कंगना रनौत देंगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। सामने आके माफी मांगना चाहिए तब शायद थोड़ा जो नुकसान डेंट चुनाव से पहले देने का काम किया सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस पार्टी को उससे शायद कुछ लाभ हो, लेकिन लोगों का कहना है कि महिला सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, सभी पार्टियों को सम्मान करना चाहिए और एक महिला को महिला के लिए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है।